70% के बीच रायपुर अरे आओ। हाँ। अब तो दिखते ही नहीं होगा, पर रात में देखो रात में नहीं आते, दिन पर देखो तो दिन पर वैसे काम काम काम। क्या करे, काम तो करूंगा ही ना। फिर भी घर तो आना चाहिए। घर में तो कहाँ हूँ मैं, घर से बाहर थोड़ी हूँ। आप सुबह काम पर निकल जाते हो, रात में फिर नहीं आते, कभी आते हो हफ्ते दो हफ्ते में या दो दिन में चार दिन में। अरे तो क्या करें, काम ही ऐसा है। देखो छुट्टी के दिन भी मैं नहीं बैठ पाता, क्योंकि छुट्टी के दिन भी जो बाकी काम जो बच जाता है ना ऑफिस के अलावा वो करना हो जाता है मुझे। तो आपको घर का ख्याल नहीं आता? घर का ख्याल आता है तभी तो मतलब समय दे पाता हूँ, तो उतना भी समय नहीं दे पाता जितना तुम चाहती हो। अभी आप बैग उठाओगे फिर चले जाओगे? जा ही रहा हूँ मैं, देखो मुझे 9 बजे बुलाया है और 9:45 हो रहा है, मैं निकलूंगा। कम से कम आज तो घर पर रहो, आज छुट्टी है आपकी। यार तुम्हारे लिए छुट्टी है, मेरे लिए छुट्टी किसी दिन भी नहीं है। आज भी मुझे काम है और इतना ज्यादा काम है, क्या बताऊं। कम से कम आप मुझ पर तो ध्यान दिया करो। अरे तुम पे तो 5 साल पहले शादी से पहले प्यार किया, तब से ही कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ। मैं तो आपसे परेशान हो गई, क्या करूँ आपका, ना आप छुट्टी के दिन रहते हो और ना रात में आते हो ना दिन में दिखते हो, सुबह बैग उठाए और ये चले। अच्छा घबराओ मत, बहुत जल्दी तुम्हें छुट्टी दूंगा मैं। मतलब क्या है आपका? अरे मैं छुट्टी ले लूंगा बहुत जल्दी और तुम एकदम खुश रहो, ठीक है ना। अब मैं जा रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा। कभी एक आध दिन मेरे लिए वक्त निकाल लिया करो। अभी तुम्हारे पास ना 5-7 दिन के बाद ना तुम्हारे पास वक्त ही वक्त रहेगा और मेरे पास भी रहेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। चलो इनसे तो कुछ होता नहीं है, कम से कम मैं घर के काम ही कर लूं, क्या करूं मैं घर का। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। नहीं घर पे क्या? भैया को टाइम ही कहाँ मिल रहा है, वो छुट्टी के दिन भी घर पर नहीं रहते। सुबह टाइम अगर 2 सेकंड के लिए आएंगे, अखबार पढ़ के चाय पी के फिर बैग उठा फिर चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, बताओ आप कैसे आए? मैं तो बस ऐसे आया था, कुछ काम था भैया से, मैं सोचा आया था। काम वो मुझे ही समझ नहीं दे पाते, तुमसे क्या काम है उनको, तुम क्या काम मतलब करवाओगे उनका। चलिए फिर ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। है जाते हैं तो रुकिए ना, चाय बना रही हूँ आपके लिए। अरे नहीं कोई बात नहीं, आप परेशान क्यों हो रहे हो, बैठिए ना, बैठिए चाय बनाती हूँ। चलिए आप फोर्स कर रहे हैं तो बैठ जाते हैं। आई बैठिए। भाभी जी मैं कह रहा था ना कि चाय वाय छोड़ो, मैं चाय वाय वैसे बहुत कम पीता हूँ। बैठो आप, आपसे बात करनी है। कुछ तो पी लीजिए चाय पानी। नहीं, बैठिए तो क्या रहूं, आज की छुट्टी थी, सोचा चलो आज घुमाएंगे फिर आएंगे जो भी है, या फिर घर पर बैठ के दो बातें करेंगे, उनको टाइम ही नहीं है। और पता है एक बात बोल रहे थे मुझसे कि ना तुझे ना मैं हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगा, तू ना मतलब हमेशा के लिए रिलैक्स होगी, शांति मिलेगी, ये वो, मतलब पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे। ओ तो भाभी ऐसा तो कुछ नहीं है कि भैया कहीं इधर उधर चक्कर उक्कर चल रहा हो, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं लगता, मेरे पति ऐसे नहीं। अरे आपको बताएंगे क्या, आजकल ना मैं ऐसा माहौल देख रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। हो सकता है तुम सच बोल रहे हो, लेकिन भगवान ना करे ऐसा कुछ ना हो। बात तो तुम ऐसी। वैसे भाभी एक काम कीजिए, आप अपना देख लेना, मैं भी जाता हूँ, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। बैठिए ना आप, बैठिए ना, थोड़ी भैया नहीं है फिर भी आप आए हो तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। अरे नहीं पता, आपके बगल में जो मार्केट है ना वहाँ से मुझे कुछ सामान लेना है के लिए। क्या लेने जा रहे हो? बस ऐसे घर का कुछ सामान लेना है, तो मैं ना आते समय आपसे मिल के जाऊँ, ठीक है। थोड़ी देर बाद चले जाना। हाँ।
नहीं, लेट हो जाएगा, फिर वो वाइफ गुस्सा हो जाएगी ना मेरा। ठीक, अच्छा अच्छा चलो तो ठीक है, मैं आपको गेट तक छोड़ देती हूँ, चलिए। अच्छा, भाभी तो कह रही थी भैया हमेशा काम में बिजी रहते हैं, और ये इधर कहाँ जा रहे हैं? यहीं रुक के ना देखता हूँ ये क्या करते हैं, कब तक आते हैं, है ना? यहीं रुकता हूँ, बैठता हूँ। कितना टाइम हो गया, अब तक ये बाहर नहीं आए। मुझे तो लगता है ना कोई चक्कर ज़रूर है। अच्छा तो ये बात है, अब आएगा मजा। भाभी आई एम कम बैक ना। अच्छा तो ये बात है, भाभी तो कह रही थी कि भैया हमेशा बिजी रहते हैं, और ये यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, आओ घर पे, आपका तो भाई बताएगी आज। कितना बातें करे बताओ, अंदर चलो ना। चलो, मैंने मना था ना क्या आपको? अरे वाह, मान गई आज। तो डायरेक्ट शुरू करें? नहीं, कुछ बातें नहीं करोगे क्या? डायरेक्ट शुरू करें, फिर मुझे जाना भी तो है दूसरी जगह। दूसरी जगह मतलब? अरे जाना है। अच्छा तुम क्या बोल रही थी, नेकलेस के लिए मुझे? हाँ नेकलेस, वो जो आप पहले नेकलेस दे गए थे ना। हाँ। वो टूट गया था, ये भी, अब मैं इससे बोर हो चुकी हूँ। वो तो पहले वाला टूट गया था? वो टूट गया है, मुझे न्यू चाहिए। लेकिन वो तो इतना महंगा नेकलेस कैसे टूट गया? आपने ही मेरा गला पड़ा। अच्छा, था वो, उस हाँ। दिन जो नोक झोंक हो रहा था उसी। हाँ। ठीक है, उसको ठीक करवा दूंगा, क्या दिक्कत है? पक्का? पक्का, बट मुझे नया भी चाहिए एक, इससे मैं बोर हो गई हूँ। तो इसको ना हटवा देते हैं, दिवाली में ना नया लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी साथ में, आप भी नहीं तो कोई ओल्ड फैशन का उठा लाओगे। नहीं तुम इस बार चलना साथ में, 6-7 दिन तो रह गया दिवाली का। हाँ, फिर कब चले? ये सोमवार को चलते हैं। ठीक है, 4 दिन बाद। ठीक है, ठीक है ना। हाँ। अब तो तुम खुश हो? बहुत। प्याज छीलते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे भाभी मैं सही बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को समझो। अरे मेरा पति ऐसा है ही नहीं, तो मैं कैसे समझूं? अरे मैंने अपने आंखों से देखा है। अच्छा? हाँ। पक्का? पक्का। और पता है जब मैं यहाँ से निकला, हाँ, गया था सामान लेने ना, देखा भैया को जाते हुए किसी और के घर की तरफ, तो मैं पीछे पीछे गया। ठीक है, फिर देखा सब कुछ अपने आंखों से देख के, तब मैं आपको बता रहा हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपको? तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत क्या, चलो मैं आपको वहां ले चलता हूँ, जाके सामने देख लो ना। देखो झूठ बात निकली ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। देखो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाभी वो बात की बात है, पर मैंने सही में देखा है, रियली देखा है। पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, बट मैं पीछे पीछे गया और देखा तो एक औरत के साथ थे वो। देखो मेरे पति ना ऐसे बिल्कुल भी नहीं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, भले वो दूर रहते हैं पर प्यार मुझसे ही करते हैं वो। पर तुम्हारी बात पे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारे साथ चलने के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ तो फिर देर क्यों करो, जल्दी चलो। ठीक है तो देखो पहले बता दे, अगर सच निकला तो ठीक है, वरना मैं देखना तुम्हारा क्या हस करती हूँ। अरे जब झूठ निकला ना, जो आप बोलोगे मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है ना, मुझे चलो, डर नहीं आप चलो, मेरे साथ। हाँ चलो दिखाओ। और बता कैसा लगा क्या? बहुत अच्छा लगा, हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा और भी लगता है जब आप रात को आते मेरे पास। अरे दिन में ही आते हो बस। अच्छा कभी कभी रात में भी आया करूँगा, आज दिन में समय था तो दिन में आ गया। दिन में समय था दिन में आ गया, तो आप हमेशा दिन में ही तो आते हो, रात में कब आते हो ये बताओ पहले। अब ना रात में बिल्कुल, मतलब दिन वाला छोड़ दूंगा, सिर्फ रात रात में। हाँ ये ठीक है। हाँ क्योंकि दिन में ऑफिस में चला जाऊंगा। हाँ और रात में तुम्हारे साथ। ठीक है, हम शादी कब कर रहे हैं? शादी? हाँ। हम लोग तुरंत मैं बता दूंगा, जैसे मतलब घर में जानती हो तो सिर दर्दी इतना ना है कि क्या बताऊँ। कैसी सिर दर्दी?
अरे मम्मी पापा से भी तो बात करनी होती है ना। अच्छा हाँ। पता है आपके चक्कर मैंने अपने हस्बैंड से भी डिवोर्स लेने की तैयारी कर दी है। कोर्ट वगैरह में मैं जाके पर्ची वगैरह भर आई, मतलब जो भी वकील को फीस देनी है कुछ भी मैं बात कर आई हूँ। अच्छा अभी डिवोर्स मत देना जब तक मैं ना बोलूँ। अब मैं तो बोल आई हूँ ना, वो हाँ कुछ तो 2 महीने बाद मुझे दे देगा। मुझे तो 4 दिन का 10 दिन का समय दे दो। अच्छा फिर ठीक है। ठीक है ना, अब मैं निकलता हूँ, लेट हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है। देखो भाभी जी। तुम? अरे तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन है? ओए तू कौन है? तू मेरी छोड़, तू कौन है? इतने आके चिल्ला के लिए मेरे सिर पे ये बता। पहले ये बता, ये तो मेरा हस्बैंड है, तू कौन है? हस्बैंड? हाँ। अरे जा, इससे मैं शादी करने वाली हूँ। बड़ी रंगलियाँ मना दी मेरे हस्बैंड। और तुम क्या कर रहे हो? ये देखो हम दोनों को धोखा दे रहा है। तुम्हारा पति? हाँ। देखे भाभी, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। अरे ये तो ये है। क्या कर रही है भाभी? अरे इसको क्यों मार रहे हैं? वो मुझे मार रही है। यार मैं इन लोगों के लिए क्या क्या किया, इनका सारा पर्दाफाश किया और आप मुझे मार रही हो। अरे वो कहाँ गया? वो तो भाग गया। भाग गया? उसको तो मैं छोड़ूंगी, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। तुझे तो शर्म आनी चाहिए ना। तुझे शर्म नहीं आनी चाहिए अपने पति को रखने सकती है अपने पास? दूसरे की बात पति पे दौड़ डाल रही है, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। मैंने वो खुद आया था मेरे पास। तू भी तो शादीशुदा लग रही है, मांग भरी पड़ी है। मेरी छोड़, मैंने उसे शादी कर ली, उसने मेरी मांग भर रखी है। मैं शादी करने वाली उससे? तू शादी करने वाली ना, मेरी शादी तो हो चुकी है उससे। हे भगवान, सही कहते हैं भाई, मियाँ बीवी के लफड़े में कहीं मत पड़ो। मैं भी निकल लेता वरना मारेगी बहुत मुझे। मेरे पति ने मेरे खुद के खसम को छोड़ के आ गई शाली। समझा के लड़ सकती अपने खसम को? तो ये सुनना। अरे हम क्यों लड़ रहे हैं? हाँ हमें तो उसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए ना। ये तो तू सही बोल रही है यार, उसने धोखा दिया हम दोनों को। जब ही वो रात में ना दिन में कभी नहीं एक सेकंड बैठे और बैग लेके चला जाता था। वो पूरा दिन मेरे पास होता था, फिर रात में कहाँ जाता था? मतलब तीसरी भी है कोई? ओह माय गॉड। चलो अभी उसकी डंडे पड़वाएंगे पुलिस से। चल कंप्लेंट करेंगे। चल